लिए कोई सहायता? और सहायता तो आप लोग कर पाए नहीं मैम, तो हम खुश नहीं है, क्या करेंगे। समझ सकते हैं, पर अकाउंट में जो बैलेंस माइनस में होता है ना, हाँ। उसकी अधिक जानकारी के लिए आपको शाखा का ही संपर्क करना रहता है, हम आपको सिर्फ अमाउंट ही बता सकते हैं। तो पैसा रिटर्न मिलने करने का कोई प्रोसेस है? नहीं है, ये बैंक द्वारा ब्लॉक की गई अमाउंट है। अच्छा अच्छा, डिस्ट्रिक्ट माला टाउन। नंदिता दास। जी जी। अच्छा, सर पहले भी मेरा बहुत बैलेंस कटा है, इसके लिए मैं लेन देन कारोबार उसमें बंद रखा था। आज मेरा पैसा कुछ जो काम का पैसा उसमें डाल दिया ओनर लोग, वो कटिंग हो गया। हाँ चेक कीजिए मैडम, बहुत मुश्किल में है हम लोग। हाँ देखा होगा ना। हाँ मैं लाइन पे बने हूँ, आप मेरा सहायता कीजिए। अगर ऐसे मेरा अर्जेंट पैसा था, वो मेरा कटिंग हो गया। जी जी, कृपया लाइन पे बने रहिए, आपकी कॉल ट्रांसफर की जा रही है संबंधित डिपार्टमेंट में। हाँ कीजिए कीजिए मैम, धन्यवाद। नमस्कार, मैं उर्वशी, आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैम मेरा अकाउंट में जो पैसा कट चुका है मेरा 1399 रुपया, ठीक है, और इससे पहले भी मेरा बहुत पैसा कटिंग हुआ है, 200-500 200-500, और हम काम करने वाले मजदूर आदमी हैं, इधर अकाउंट ओपन किया था उधर, तो पैसा कटिंग के कारण मैं एक साल से कारोबार लेन देन नहीं कर रहा था अकाउंट में, ठीक है। इसके बाद मेरा काम का पैसा उसमें 1500 डाल दिया, तो पैसा कटिंग हो गया। तो ये पैसा कटिंग ओवरड्यू मेरा आता कहाँ से है और कैसे माइनस में जाता है, मेरे को तो मालूम नहीं मैम, आपको थोड़ा मालूम है तो मुझे समझाइए वो पैसा किस लिए। अच्छा अच्छा, अगर आपके अकाउंट में पैसे माइनस में है या नहीं, वो संबंधित जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हम दे सकते हैं। हाँ तो मेरा पैसा गया कहाँ अकाउंट का, फ्रॉड हो गया मैम? विदाउट वेरिफिकेशन हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, आप जो जानकारी लेना चाह रहे हैं, आप बता रहे हैं पैसे माइनस में कैसे जाते हैं, तो वो जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं होती। अच्छा, तो आपके अकाउंट में पैसे ऑलरेडी माइनस में हो और उसके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त आप करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी बेस ब्रांच का संपर्क। हाँ तो ठीक है, मैं 1500 रुपया मेरा काम का उसमें डाला बैलेंस, तो बैलेंस कहाँ गया मेरा, माइनस में है कि नहीं आप लोग बता सकते हो? अभी 100 रुपया है, 100 है अभी। आपका पूरा नाम जान सकती हूँ? हाँ, तपन कुमार दास। नाम बताने के लिए धन्यवाद तपन। आपके खाते के अंतिम 4 अंक 5 9 8। हाँ जी। माइनस में है या नहीं संबंधित जानकारी लेना चाह रहे हैं अकाउंट बैलेंस? नहीं, मेरा 1500 रुपया डाला, मेरा 1400 रुपया कटिंग हो गया, किधर गया वो पैसा, फ्रॉड हो गया। कटिंग डाले 1500 रुपये? हाँ, अभी कुछ आधा घंटा पहले 1500 रुपये उसमें आए थे और उसमें से 1400 रुपये कटिंग हो गया मेरा, 100 रुपया है, मैं तो कुछ किया नहीं। 1399 रुपये 95 पैसे आपके जो है वो माइनस में है। अच्छा अच्छा, कारण क्या है इसका? ये अमाउंट आपकी माइनस में है, वही जानकारी हम दे पाएंगे, अधिक जानकारी के लिए आप अपनी शाखा का संपर्क कर सकते हैं। तो मैं 1500 रुपया डाला, अभी तो मेरा बैलेंस ही नहीं है। समझ सकते हैं सर, आप सही है तपन जी, आप बता रहे 1500 रुपये आपने अपने खाते में जमा किए, आपके हाँ। खाते में जमा हो चुके हैं हाँ। फिर हम आपको अमाउंट बता रहे 1399 रुपये 95 पैसे आपके माइनस में है, ये अमाउंट किस वजह से माइनस में है वो जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं होती, ये अमाउंट बैंक द्वारा ब्लॉक की गई अमाउंट है, तो अधिक जानकारी के लिए आप अपनी शाखा का संपर्क कर सकते हैं। तो मैम एक बात बता दूं, मेरा अकाउंट ओपन किया हूं मैं केरल में, ठीक है, मैं रहने वाला हूं वेस्ट बंगाल का, अभी मैं सिकंदराबाद से आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं मजदूर आदमी हूं, ठीक है। हाँ अभी मैं अभी तो यहां से बैंक कैसे जाऊंगा आप बताइए केरल में? समझ सकते हैं, पर हमारे पास माइनस में अमाउंट है, वो अमाउंट कितनी है वो कंफर्मेशन हम दे पाते हैं। हम्म, अधिक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है सर। तो फिर तो गरीब आदमी का पैसा लूट हो गया ऐसा ही लग रहा है, ठीक है,
और क्या करेंगे। अमाउंट बैंक द्वारा ब्लॉक की गई अमाउंट है, समझ पा रहे हैं? ब्लॉक की गई है। हाँ समझ समझ, अभी बैंक में जा पाऊंगा ना मेरा पैसा वापस आएगा, है ना? ऐसा ही है। अधिक जानकारी के लिए आप अपनी शाखा का संपर्क कर सकते हैं। हाँ वही तो, अभी मैं केरल जा पाऊंगा ना मेरा पैसा वापस आएगा, ठीक है ना? वो अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है मैम? अकाउंट बंद करवाना चाहे तो आप अपनी बैंक ब्रांच का संपर्क करना रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, करने के बाद ही हमसे अकाउंट बंद करवा दें। वो अकाउंट मेरा जो है मैं अपना स्टेट में बंद कर सकता हूँ उसी ब्रांच में जाके? आपका अकाउंट जहाँ आपने खुलवाया हो आपकी बैंक ब्रांच, वहाँ संपर्क करके आपको बंद करवाना रहेगा। अच्छा अच्छा ऐसा, तो ऐसे तो फिर नहीं बंद भी नहीं कर पाएंगे अकाउंट को मैम, क्योंकि अभी मैं समझ लो केरल जाऊंगा तभी मैं बंद कर पाऊंगा, या तो मैं पूरी जानकारी ले पाऊंगा, है ना? प्रोसेस यही है। हाँ नहीं तो वो पैसा ऐसे ही डालेंगे, ऐसे ही कटते रहेंगे, है ना? वो कंफर्मेशन हमारे पास नहीं होती है कि पैसे आपको डालेंगे और किस वजह से और किस माध्यम से कटेंगे सर। फोन में ये जानकारी मिलना मुश्किल है ना कस्टमर की? हमारे पास वो जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। हाँ ठीक है, आप लोग सिर्फ वो ऐसे ही बात जो प्रॉब्लम है छोटा वैसा ही करते हो। हाँ ठीक है जी, हम आपको आपकी कंफर्मेशन दे सकते हैं कि कितनी अमाउंट माइनस में है। वो माइनस किस वजह से है वो शाखा में जाना पड़ेगा, अकाउंट ब्लॉक करना है तो शाखा में जाना पड़ेगा। वो तो मैं कैलीकोट में अकाउंट ओपन किया था लॉकडाउन के बाद में। कोई सहायता? और सहायता तो आप लोग कर पाए नहीं मैम, तो हम खुश नहीं है, क्या करेंगे? समझ सकते हैं, पर अकाउंट में जो बैलेंस माइनस में होता है ना, हाँ। उसकी अधिक जानकारी के लिए आपको शाखा का ही संपर्क करना रहता है, हम आपको सिर्फ अमाउंट ही बता सकते हो। तो पैसा रिटर्न मिलने करने का कोई प्रोसेस है? नहीं है, ये बैंक द्वारा ब्लॉक की गई अमाउंट है। अच्छा अच्छा ऐसा, तो ठीक है, गरीब आदमी का पैसा चला गया यार, ऐसे डालेंगे तो ऐसे ही जाता रहेगा, करेल जा पाऊंगा ना मेरा अकाउंट होगा। जानकारी के लिए आप अपनी शाखा का संपर्क करें, हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, माफी चाहूंगा। ठीक है ठीक है, हाँ वही तो, पैसा मेरा गया बर्बाद हो गया। ठीक है मैम, धन्यवाद, मैं तो पूरा तो सहायता ही नहीं मिला आपसे।